गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टॉपिक कौन सा था अपना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे अपन, सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे अपन लास्ट में, तो बताएगा मेरे को सर। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो हेलो, अपन बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन है आपका, सबसे पहला है आपका कौन सा, एडिशन, एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए रेशनल नंबर। अपन ने बात की थी किसकी, इंटीजर की, और किसकी बात की थी अपन ने, वो इंटीजर की और वो नंबर की बात की थी। आज अपन बात किसकी करेंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो देखो यहां से एडिशन के लिए क्या होगा, एडिशन के लिए क्या होगा कि एडिशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले टू रेशनल नंबर है, कितने रेशनल नंबर है, टू रेशनल नंबर है, और टू रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट सम करने पर या ऐड करने पर एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका रेशनल नंबर है ए, और ये भी आपका रेशनल नंबर है बी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका एक रेशनल नंबर आएगा सी, ठीक है ना। तो अभी तक अपन लास्ट क्लास में अपन ने बात किसकी की थी, इंटीजर की और वो नंबर की, इंटीजर को इंटीजर से आपने प्लस किया था, इंटीजर को इंटीजर से आपने सेपरेट किया था, तो किस किस में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है और किस किस में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं किसकी, रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होगी या नहीं होगी। तो देखो यहां से सबसे पहला उसके अंदर है एडिशन, तो एडिशन में एग्जांपल फर्स्ट देखो आपका यहाँ पे 4/5, ये आपका रेशनल नंबर है, प्लस में है माइनस का 3/2, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो इनको प्लस करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पर इनका एलसीएम लेंगे, किस किस का, 5 और 2 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 10 हो गया। अब क्या करोगे यहां से, ये 10 को डिवाइड करो 5 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 16, प्लस ब्रैकेट में इसको डिवाइड किया आपने इससे 2 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो माइनस का 15। अब ये प्लस का 16 है और ये माइनस का 15 है, तो ज्यादा किसका है, यहाँ से प्लस का है, तो यहाँ पे 1/10, ये क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो आपका रेशनल नंबर आएगा। तो फर्स्ट किसके लिए है, एडिशन के लिए, सेकंड किसके लिए चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चेक करोगे, अगर आप रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर माइनस करोगे, रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए भी यूज हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज हो रही है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे, यहाँ पे 4/5 और -3/2 या 3/7, ये आ गया आपका,
अब आप क्या करोगे इसमें से, इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ गया, किस किस का, 5 का और 7 का एलसीएम 35। तो यहाँ पे 35 इसका एलसीएम है। अब क्या करोगे, 35 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 7 को मल्टीप्लाई 28, 4 से तो 28 माइनस, इसको इससे डिवाइड किया आपने 5 टाइम, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना 15। अब 28 में से 15 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 13 अपॉन में 35। तो ये भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। अरे रेशनल नंबर क्या होगा, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सके। अब यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। अब किसके लिए यूज करेंगे अपन थर्ड, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए यूज करो एक बार, माइनस का 3 अपॉन, अगर मैं ए को अगर मल्टीप्लाई करूंगा बी से तो क्या आएगा आपका सी आएगा। दो ही चीज है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर। अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए भी है, कौन से नंबर में, रेशनल नंबर में। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज हो रही है और क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए भी यूज हो रही है। कैसे है, जैसे यहाँ पे 4 अपॉन 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 35। तो ये भी क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब बात किसकी करेंगे, यहाँ पे डिवाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड की जब बात करोगे तो देखो नंबर 4 पे क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए यूज हो रही है, डिवाइड के लिए यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवाइड के लिए यूज हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो अगर मैं इस ए को डिवाइड करूंगा बी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी, नॉट मे बी और नॉट, दोनों कंडीशन यहाँ पे है। सर कैसे, जैसे अपन यहाँ पे 4 अपॉन 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे। 4 अपॉन 5 को किससे डिवाइड करोगे, 3 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे 4 अपॉन 5 ऐसे किस रह गया, जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में, और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, तो 2 अपॉन 3 तो कितना हुआ ये 8 अपॉन 15। तो ये तो गया डिवाइड करने पे। लेकिन सपोज करना एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ये है कि अगर मैं किसको, अगर मैं 0 आपका रेशनल नंबर है, 0 आपका रेशनल नंबर है, अगर मैं 0 को अगर 8 अपॉन 3 से डिवाइड करूंगा, 8 अपॉन 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 8 अपॉन 3 को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या आती है इसकी हमेशा इनफाइनाइट, क्या आती है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यूज हो रही है। किसके लिए यूज नहीं हो रही है, डिवाइड के लिए, ठीक है ना, आ गया समझ। यस सर। कौन से नंबर के लिए चेक किया आपने, इंटीजर के लिए या होल नंबर के लिए या रेशनल नंबर के लिए, किसके लिए चेक किया आपने इसको, रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये है यस सर क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट को है आपकी कौन सी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब उसको भी चेक करवाएंगे, किस किस के लिए, एडिशन के, किसके लिए, इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए और रेस्ट नंबर के लिए। और वो इस सेम कौन कौन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। फटाफट से इसको नोट कर लो जल्दी से सर, कर लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आपके टू इंटीजर्स है या टू वो नंबर है या टू नेचुरल नंबर है या टू रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे किसके किसका डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे टू इंटीजर के लिए, टू वोल नंबर के लिए, टू रैशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये नोट करोगे क्या, फोर ए एंड बी वोल नंबर, फोर ए एंड बी वोल नंबर के लिए। पहले किसके लिए चेक करेंगे अपन, वोल नंबर के लिए चेक करेंगे। अब वोल नंबर क्या होगा कि सारे जो नंबर है वो पॉजिटिव में होंगे, जीरो भी इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले किसके लिए, एडिशन के लिए, एड के लिए चेक करेंगे। देखो एड के लिए क्या चेक करोगे कि जो आपके टू नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का सम यानी ए प्लस बी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा। इन दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर कैसे है, बी की जगह ए और ए की जगह बी को चेंज कर देंगे, और फिर अगर उनका सम करेंगे तो उनका सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पर बी प्लस ए है, तो इनका सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो आपकी जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज होगी, एडिशन के लिए यूज होगी, और किसके लिए, ए और बी वो नंबर के लिए। एनी डाउट किसी को यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल, नो सर, एग्जाम्पल ये है आपका, ये 4 + 5 ये दोनों वो नंबर है क्या, 4 + 5 ये दोनों वो नंबर है क्या। अब मैं इन दोनों वो नंबर में से इस 4 की जगह क्या कर दूंगा, 5, और 5 की जगह क्या कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। इनका प्लस करोगे तो इधर भी कितना आ गया, 9, और इधर भी कितना गया, 9। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से LHS इक्वल टू में RHS, दोनों आपस में इक्वल है क्या। तो जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए, और कौन से नंबर के लिए, कौन से नंबर के लिए, वोल नंबर के लिए, ठीक है ना। सेकंड किसके लिए चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करोगे, किसके लिए चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करोगे। और सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन हो गया a माइनस बी, ये a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसका मतलब ये हुआ कि अपन अगर इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, इनका ऑर्डर b में से a को, पहले यहां से क्या था, a में से b, और अब यहां क्या हो गया, b में से a। एग्जांपल देखो, यहां पे एग्जांपल ये है 5 - 3 और अब ऑर्डर चेंज कर दो, यहां पे 3 - 5 क्या, यहां पे इन दोनों का, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है, माइनस का 2। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, नो सर, नो। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज नहीं होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वो नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं है, ठीक है ना। नंबर थर्ड पे, थर्ड पे किसके लिए, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, किसके लिए, अब मल्टीप्लाई के लिए चेक करोगे तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा कि a इंटू बी, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, b इंटू a के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। a इंटू बी, a इंटू बी किसके इक्वल होगा, b इंटू a के क्या होगा, इक्वल होगा। एनी डाउट किसी को यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो 2 × 3 और यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज कर दो, 3 × 2
अब बताओ 2 into 3 कितना हुआ 6 है, और 3 into 2 कितना हुआ 6 है। क्या आपस में इक्वल है क्या, क्या आपस में इक्वल है क्या? यस सर, आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्लोजर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना। नंबर फोर्थ पे कौन सी, डिवाइड के लिए। अब डिवाइड के लिए चेक करो, अगर आप ए को किससे डिवाइड करोगे बी से, और बी को किससे डिवाइड करोगे ए से, तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा, वो आपस में इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। 5/2 5/2 और यहाँ पे 2/5, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे और 2 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें कितने नंबर होंगे, 2 नंबर्स होंगे। कितने नंबर होंगे उसमें, 2 नंबर्स। कौन कौन से 2 होल नंबर भी हो सकते हैं, 2 इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, और 2 रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 इंटीजर, 2 होल और 2 रैशनल। देखो अब क्या करोगे ऐसे, तो यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए यूज हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए, और किसके लिए ओनली, मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रही है, और किसके लिए यूज नहीं हो रही है, किसके लिए यूज नहीं हो रही है, सबट्रैक्शन और डिवाइड, सबट्रैक्शन डिवाइड और डिवाइड के लिए। कौन से नंबर के लिए, कौन से नंबर के लिए, होल, वो नंबर के लिए, ठीक है ना। अब किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब किसकी बात करेंगे, इंटीजर नंबर के लिए। अब जो आपका वो नंबर है इसको हटा दो यहाँ से, और अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, इंटीजर की, इंटीजर की बात करेंगे यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, इंटीजर की बात करेंगे। अब देखो एक नेक्स्ट, वही एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सबने नोट कर लिया ना ये, यस सर। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा बस अपना माइंड यूज करने की आवश्यकता है यहाँ पे कि सर कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर रहे हैं। और वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक एक नंबर की बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने किसका डिस्कस किया, वो नंबर का। वो नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस किस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। अब सेम ऐसे किसका चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे। अब इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी इसके अंदर जो इंटीजर होंगे यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब देखो कैसे करोगे, सबसे पहले एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए, ये आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है। अब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, इनका ऑर्डर, यहाँ पे बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। A. तो अब उनका जो सम है वो आपस में क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपस में क्या होगा, वो इक्वल होगा, इक्वल होगा। चेक करो एक बार ऑब्जर्वेशन, देखो क्या चेक करोगे, एग्जांपल देखो यहाँ पे, यहाँ पे 5 + -3, देखो इंटीजर है ना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ये भी माइनस में हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। आपको तो बीच में प्लस करना है और ऑर्डर चेंज करना है। अब ऑर्डर चेंज कैसे, जहां बी है, जो बी को पहले नोट कर दो और फिर प्लस और ए को बाद में नोट कर दो। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका, ये 5 प्लस में है और 3 माइनस में है। तो ये जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 5 ब्रेकेट के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस। और इधर ये माइनस का है और ये हो गया आपका प्लस का 5। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ भी ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो मोर देन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, यस सर, यस सर।
यस या नो? यस सर। इसका मतलब है इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में किसके लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है? एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ऐड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट किसके लिए चेक करोगे? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि ए को किस में से माइनस करोगे? बी में से माइनस करोगे, और यहाँ पे बी में से किसको माइनस करोगे? ए को माइनस करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉट इक्वल टू। क्या होगा यहाँ पे आपका? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होगी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए यूज नहीं होगी? सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो इसका, कि जिसका भी वीडियो ऑन है और माइक ऑफ है, प्लीज अपना वीडियो और माइक ऑफ करें। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उस टाइम पे रिप्लाई दिया करो, ठीक है ना? अभी आप फिलहाल अपना वीडियो और माइक ऑफ करें ना। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये माइनस का फाइव है, ये माइनस का फाइव है। देखो इंटीजर है ना ये, तो इंटीजर तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये माइनस का फाइव है और यहाँ पे फिर माइनस, और ये हो गया आपका टू, ठीक है? फिर यहाँ पे ये टू हो गया और ये माइनस की माइनस आ गया, और यहाँ पे जो ए है वो क्या है? माइनस का थी, यानी आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब चेक करेंगे दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, अपन चेक करेंगे कि इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का फाइव और ये माइनस का टू, इधर कितना हो जाएगा? टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का है, तो माइनस इनटू माइनस क्या होगा? जैसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस इनटू माइनस क्या जाएगा? प्लस का फाइव। अब देखो माइनस का फाइव और माइनस का टू दोनों माइनस में है, एड हो जाएंगे, दोनों एड हो जाएंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। और यहाँ पे टू प्लस सेवन कितना हुआ? सेवन। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नो। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, और यहाँ भी नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स क्या हुआ? आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? अरे क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने यहाँ पे? कि इंटीजर्स आर नॉट कम्युनिकेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर नॉट कम्युनिकेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में के अंडर में नहीं है, ठीक है ना? तमन्ना बेटा अपना माइक ऑफ करो एक बार। आप तमन्ना, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? ए इंटू बी इक्वल टू में बी इंटू ए, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए इंटू बी इक्वल में क्या होगा? बी इंटू ए। इसका मतलब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हो रही है? मल्टीप्लाई के लिए भी यूज हो रही है। चेक करो एक बार एग्जाम्पल लेकर के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर मल्टीप्लाई माइनस फाइव, फोर मल्टीप्लाई माइनस फाइव इक्वल टू में माइनस का फाइव मल्टीप्लाई फोर, माइनस का फाइव मल्टीप्लाई फोर। अब एक चीज बताना मेरे को, अब एक चीज बताओ मेरे को एक बार, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना गया? इनका मल्टीप्लाई कितना रहा है? माइनस का ट्वेंटी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना रहा है? माइनस का ट्वेंटी। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर में किसके लिए यूज हो रही है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए भी यूज हो रही है। अब देखो डिवाइड के लिए, किसके लिए? डिवाइड के लिए। अब डिवाइड में क्या करोगे? ए डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, ये लो। ए डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है
वो किसके अंडर में नहीं है, डिवाइड के अंडर में, डिवाइड इसके अंडर में नहीं है। तो अब बताओ एक चीज, क्लोजर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एडिशन के लिए, मल्टीप्लाई, और किसके लिए, मल्टीप्लाई, किसके लिए यूज नहीं हो रही है, किसके लिए यूज नहीं, सबट्रैक्शन एंड डिवाइड, सबट्रैक्शन के लिए एंड डिवाइड के लिए यूज नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटीजर के लिए चेक करना, फटाफट से नोट कर लो। इसी बेस पे अपने क्वेश्चन है, इसी बेस पे अपने क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज में, 9.2 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। बस केवल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा ना 5 और 3, तो वहां पर और कुछ अलग नंबर दिया होगा, बस यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको, इन प्रॉपर्टीज को वन बाई वन अच्छे से समझने की कोशिश करना, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब किसके लिए चेक करेंगे, अब किसके लिए चेक करेंगे, रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए। देखो रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले एडिशन, किसके लिए, एडिशन के लिए, और फिर किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और फिर किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। देखो सबके लिए चेक करेंगे और फिर डिवाइड के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए, ये आपका रैशनल नंबर है और ये भी आपका रैशनल नंबर है। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, b की जगह a को और a की जगह b को चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे जाएगा आपका एग्जांपल, देखो 4/5 प्लस में 3/2, क्या ये दोनों आपके रैशनल नंबर है क्या, क्या ये दोनों आपके रैशनल नंबर है क्या, 4/5 और 3/2 दोनों रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर कैसे है, पहले क्या आएगा आपका 3/2, बाद में क्या आएगा आपका 4/5। अब इनको क्या करोगे आप, प्लस करोगे, तो इनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी आपस में, इक्वल। देखो नोट करो कैसे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, 10 को डिवाइड करो 5 से 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से 8, प्लस इस 10 को डिवाइड करो किससे, 2 से, 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हुआ, 15 इज इक्वल टू में, सेम इधर भी इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 एलसीएम आ गया, इसको डिवाइड करो 2 से, तो 5 को मल्टीप्लाई 3 से 15, प्लस इसको फिर डिवाइड करो 5 से 2 टाइम, और 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से, तो 8, दोनों को प्लस करोगे 8 प्लस 15 कितना हुआ, 23/10, और इधर भी कितना हुआ, 23/10, क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज हो रही है, रैशनल एडिशन के लिए, कौन से नंबर के लिए, कौन से नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए। अपना चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, रेशनल नंबर का डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करोगे, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। देखो एग्जांपल 4/5 और माइनस का 3/2, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, 3/2 - 4/5, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना गया, 10, इसको डिवाइड किया आपने 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस का 15, और इधर क्या हो जाएगा आपका, वही एलसीएम कितना गया 10, और यहाँ पे 15 - 8। अब बताओ यहाँ से 15 में से यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस का 15 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, माइनस का 7/10, माइनस का 7/10, और यहाँ पे ये 15 - 8 है, तो यहाँ पर क्या गया आपका, 7/10। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नो सर, नो। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, और यहाँ भी नॉट इक्वल टू, तो इसका मीन्स क्या हुआ,
मीन्स क्या हुआ कि ये कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज नहीं होती है, किसके लिए यूज नहीं हो रही है? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से नंबर के लिए? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब किसकी चेक करेंगे? मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए चेक करोगे? मल्टीप्लाई के लिए। चेक करो फटाफट जल्दी से, 4/5 × 3/2 इक्वल टू में 3/2 × 4/5 सबको दिख रहा ना ये? ये सबको दिख रहा ना? यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 12/10 और इधर क्या हुआ? वही सेम 12/10। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस क्या हुआ बताओ जल्दी से। हेलो, देखो तो यहां से अब जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए यूज हो रही है? एडिशन के लिए यूज हो रही है, एडिशन एंड मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई के लिए। क्या ये डिवाइड के लिए यूज होगी क्या? क्या डिवाइड के लिए यूज होगी क्या? नो सर। एग्जांपल देखो, 4/5 को डिवाइड किससे करोगे? 3/2 से, और फिर 3/2 को किससे डिवाइड करोगे? 4/5 से डिवाइड करोगे। करो डिवाइड एक बार देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो 4/5, यहाँ पे डिवाइड का साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू में, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5/4, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ? 8/15, और यहाँ पर हुआ 15/8। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नो सर, नॉट इक्वल टू। अरे ये तो 8/15 है और ये 15/8 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस ये हुआ कि जो जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर में, कौन से नंबर में? रैशनल नंबर के लिए किस किस के लिए यूज हो रही है? एडिशन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रही है, पर किसके लिए यूज नहीं हो रही है? सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड के लिए। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एनी डाउट किसी को? नो सर। नो सर। डाउट किसी को? नो सर। अब नो सर। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी। या फिर इससे पहले एक प्रॉपर्टी और है, कौन सी? अपने वो चेक कर, पहले एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे अपन। और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होगा? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होगा? जैसे आपने यहाँ पे कितने इंटीजर लिए, कितने रैशनल नंबर लिए और कितने वो नंबर लिए आपने, ए बी। अरे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कितने रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे? 2 रैशनल नंबर की, या 2 इंटीजर की, या 2 वो नंबर की? अब जो आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, उसमें कितने इंटीजर होंगे? कितने इंटीजर होंगे? ए बी एंड सी। उसमें 3 इंटीजर के लिए, 3 वो नंबर के लिए और 3 रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। 3 रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर वहां पर क्या होगा? सी प्लस बी प्लस ए। उनका भी क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज करके करेंगे, तो किस किस में यूज होगी और किस किस में यूज नहीं होगी वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, सबके समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर।
चलो आप ट्राई करना एक बार अपनी बुक में ऐसे प्रॉपर्टीज दीजिए, आपके पास में बुक है तो बुक में चेक करना एक बार जो सर ने मैंने पढ़ाई वो प्रॉपर्टी है या नहीं, और उनको एक बार आप अपने मन से रीड करना, और जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा रखी है इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में फेयर करना, ठीक है? यस ठीक है सर, कर लोगे सभी? यस सर ओके।